हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये बाड़मेर में बना हुआ एक जोधपुरी स्टोन का मकान है जिसकी साइज 30x65 की है, 30 फिट x65 फुट। तो 30 फिट आपको रोड के ऊपर दिख रहा है और 65 फुट इस तरह से लंबा है। यहाँ आपको दिख रहा है आगे हमने एक्स्ट्रा गार्डन एरिया छोड़ा है और इस जगह पे टॉयलेट बाथरूम की एक होदी है, यानी कि यहाँ पे सारा ड्रेनेज का सिस्टम आता है। अगर एंट्री से अगर अपन बात करें तो कुछ डिज़ाइनर एलिवेशन ऐसे जोधपुरी स्टोन के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं जोधपुरी स्टोन की एक CNC कटिंग की हमने जाली ली है। यहाँ पे डिज़ाइन का एलिमेंट दिया, बीच में हमने टाइल लगाई है। यहाँ एक जाली है छोटी और एक नेम प्लेट की जगह सीधी सीधी दी हुई है। फ्यूचर में चाहे तो इसको डबल रैंप करके कार के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ में अभी के लिए बाइक के लिए एंट्री है और प्लस यहाँ पे स्टेयर से डबल स्टेप की एंट्री दी हुई है। यहाँ पे ये जगह पे अगर बैठना चाहे तो बैठें, नहीं तो फिर यहाँ पूरा गार्डन का एरिया बना सकते हैं पौधे वगैरह लगा के, ये चीज़ थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये मकान बना हुआ है। अंदर चल के मैं दिखा देता हूँ इसकी फिनिशिंग किस तरह से हुई है। ये आपको एंट्री पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने लोहे की जाली काम में ली है। ये भी CNC के अंदर कटिंग की गई थी, लोहे का पत्रा है। इसके अंदर हमने डिज़ाइन पसंद करी और उसके बाद इसको कटिंग करके कलर मर्जी से अपन ने करवाया है। इसमें एंट्री करते हैं, हमें सबसे पहले पार्किंग दिखती है। पार्किंग में हमने वुडन टाइल यूज़ करी है। यहाँ पे टाका है, यानी कि पूरी पार्किंग के अंदर टाका दिया हुआ है। इसका मुंह हमने उस कॉर्नर पे डाल दिया ताकि पार्किंग का एरिया डिस्टर्ब ना हो। साथ में यहाँ डबल स्टेप दिया हुआ है, इस तरफ से जाना चाहें तो ड्राॅइंग रूम की, यानी कि अगर कोई फॉर्मल गेस्ट आते हैं आपके, जैसे समझिए कि जेंट्स अगर कोई आते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ से घर में जा सकते हैं, और कोई लेडीज़ वगैरह आते हैं तो वह सीधा चौक के अंदर जा सकते हैं। तो ये खिड़की जो खुल रही है, ये किचन की खिड़की है जो डायरेक्ट पार्किंग के अंदर खुलती है, तो अगर कोई लेडीज़ अंदर काम कर रहे हैं तो उनको इजीली समझ आएगा कि कोई घर के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे ये ड्राइंग रूम से एंट्री है, तो मैं एंट्री आपको मेन डोर से करके दिखाता हूँ, उसके बाद अपन अंदर चलेंगे। ये पहला मेन डोर है। यहाँ हमने डबल डोर लगाया है, डबल डोर में एक जाली वाला डोर, एक सिंपल डोर। तो इस तरह से यहाँ ऐसे एंट्री होगी। ये 5 फिट की पूरी गैलरी है। यहाँ से ड्राइंग रूम का सेकंड एंट्रेंस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही बाहर की तरफ से गैलरी की एंट्री, दो विंडो। इसको इस तरह से बनाया गया कि यहाँ पे टीवी यूनिट की सेटअप दी हुई है। इस वॉल पे टीवी यूनिट का सेटअप है, यहाँ दो बड़ी विंडो है, और इस जगह से कोई पर्सन अंदर आता है यहाँ पे एल में सोफा लग सकता है। इतना इस तरह इसको बनाया गया है। और POP अगर आप देखना चाहें तो POP बड़ी सिंपल करवा रखी है, सीलिंग के अंदर में लाइट और पंखे लगा रखे हैं। अभी टीवी इस जगह लगेगी, जब लगेगी तब आप यहाँ फर्नीचर करवा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और ये सेम गैलरी डायरेक्ट चौक के अंदर खुलेगी। तो ये है चौक, कॉमन लेट बाथ, साथ में एक बेसिन लगा हुआ है जिसके अंदर हमने एक डिज़ाइनर कांच काम में लिया है, अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से। यहाँ पे कॉमन बेसिन हो गया, और बाकी डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे टीवी लग सकती है, सोफ़ा चाहे तो सोफ़ा लगा सकते हैं। वहाँ पे अभी इन्होंने सोफ़ा लगाया ताकि सामने की तरफ टीवी यूनिट रह जाए। और डाइनिंग एरिया चाहिए तो उसके लिए किचन भी पास में बनी हुई है। इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया। अब देखते हैं सबसे इस घर का इम्पोर्टेंट पॉइंट, किचन। तो किचन के अंदर जैसे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म L में लगा हुआ है। ये विंडो डायरेक्ट पार्किंग के अंदर खुलती है, तो अगर कोई एंट्री करता है तो आपको सीधा दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, यहाँ से देखिए एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा है, तो यहाँ से कोई एंट्री करता है तो सबको दिख जाएगा। प्लस यहाँ पीछे फर्नीचर बना हुआ है, और एक एक्स्ट्रा विकेट विंडो हमें मिली हुई है जिससे इस गैलरी के अंदर कोई अगर पर्सन आता है या फिर उस गेस्ट रूम में कोई पर्सन आता है तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा। जैसे वहाँ देखिए कोई कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पर अगर कोई पर्सन बैठता है तो बड़ा ईजीली आपको दिख जाएगा। तो किचन इस तरह से ली हुई कि घर के किसी भी कॉर्नर से आप देखेंगे तो आपको पूरा घर एक साथ दिखेगा। और अगर बात करें पीछे बेडरूम की, दो पीछे बेडरूम दिए हुए हैं, दोनों पैरेलल में हैं। पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम की एंट्री है, यहाँ हमने AC के पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं। अब इसके अंदर एक आपको टेक्निक दिखाएं कि हमने यहाँ वार्डरोब ऑलरेडी चुनाई के टाइम पे ले ली थी, यानी कि जब मेसनरी का काम चल रहा था तब हमने यहाँ पे इसके अंदर वार्डरोब ले ली थी पहले से। वार्डरोब किस तरह से, ये वार्डरोब 15 इंच लंबी है और दूसरे रूम के अंदर ये 15 इंच लंबी वार्डरोब इस तरफ है, और साथ में पीछे की तरफ गैलरी में जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। यहाँ एक बड़ी विंडो है जो पीछे की तरफ बैक गैलरी के अंदर खुलती है, जहाँ पे वॉश एरिया है,
वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ ड्रेसिंग टेबल लगी और यहाँ बेड हमने कॉर्नर पे लगाया है। इस वॉल को हमने फ्री रखा है ताकि यहाँ अगर कोई आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में अभी वॉलपेपर आना बाकी है, जब वॉलपेपर आ जाएगा तो इस रूम का अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। और इसके जो बेड के कॉर्नर हैं राउंड एजेस में लिए हुए हैं, वहाँ की तरफ भी और इस तरफ भी। जो कलर थीम वगैरह ली गई है वो ग्रे कलर लिया है, वाइट ग्रे और ब्लैक। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई कलर देखने नहीं मिलेगा। वुडन कलर जो है वो स्टैंडर्ड में चल रहा है। इसके अंदर हमने टी पट्टी काम में ली है, इसको मेटल स्ट्रिप बोलते हैं। मेटल स्ट्रिप टी पट्टी बड़ी अट्रैक्टिव लगती है सिंपल में और कॉस्टिंग भी बढ़ाती नहीं है। अब यहाँ ये सीढ़ी के नीचे का एरिया, इसको एज अ स्टोर हमने काम में लिया। यहाँ पे सारा सामान भरने के लिए काफ़ी अच्छा सामान आ जाता है। और सेकंड रूम है यहाँ पे, पास वाले रूम के जैसा ही है। और इसका भी एक गेट पीछे की गैलरी में खुलता है। गैलरी में आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से गैलरी बनी हुई है। यहाँ पे आप कपड़े और वॉशिंग एरिया काम में ले सकते हैं। ये ऊपर से ओपन है और एक लैंड बाथ पीछे दिया हुआ है जो दोनों रूम वाले एक्सेस कर सकते हैं। ये पीछे का गेट मास्टर बेडरूम का, एक सेकेंडरी गेट। अब एक चीज़ आप नोटिस करें कि उसमें वार्डरोब इस तरफ थी, इसकी वार्डरोब यहाँ है। यानी एक ही वॉल के अंदर 15 इंच के अंदर दोनों को वार्डरोब मिल गई, तो पूरी तरह से एक्सेस हो गया। वॉल के अंदर ही पूरा का पूरा फ्लश होके हमें अलमारी मिल गई है। तो इस तरह से एक दो और तीन, 3 BHK का ये पूरा प्लान है किचन के साथ में, और अट्रैक्टिव पूरा सा बना हुआ है। यहाँ इस तरह से इसकी POP करवा रखी है। और अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो स्टेयर्स के अंदर एरिया आपको ये दिखेगा पूरा, जहाँ से फुल रोशनी आती है। इसके अंदर हमने खिड़कियाँ दे रखी है जिससे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता है। तो ये एक मंजिल का ही है इसीलिए यहाँ पे धूप अच्छे से आती है और घर देखने में भी काफ़ी बड़ा लगता है। आपको ये घर कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।